है कि मेरी मैथमेटिक्स तो इतनी वीक है कि जैसे ही मैं क्वांट का कोई भी क्वेश्चन देखती हूँ आई गो ब्लैंक. देन ट्रस्ट मी दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू, बिकॉज लेट मी श्योर कि कैट एग्जाम की या किसी भी और MBA एग्जाम की तैयारी करते समय जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस को डील करते हो तो उससे कैसे नहीं डरना है एंड कैसे उस लेवल तक पहुंचना है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ. सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है दैट इज कि इट इज परफेक्टली ओके टू नॉट बी फ्रॉम अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड. मैं IIM अहमदाबाद 2018-20 के बैच से पढ़ी हूँ. मेरे बैच में बहुत से आर्ट्स स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे जिनके पास ऐसा स्ट्रांग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था जो कि लेट्स से इंजीनियर्स के पास होता है. अगर आप एक इंजीनियर हो या मेरी तरह कॉमर्स ग्रेजुएट हो जिनके पास मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, इवन देन अगर आपकी मैथमेटिक्स उतनी सॉलिड नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है. मेरी मैथमेटिक्स भी उतनी अच्छी नहीं थी. मेरे मार्क्स चाहे एग्जाम्स में अच्छे आते थे बट मुझे मैथ का क्वेश्चन देखते ही बहुत डर लगता था कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है. दूसरी बात, कैट एग्जाम में बहुत ही फाउंडेशनल लेवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं. दिस मींस कि जो भी कॉन्सेप्ट्स कैट के सिलेबस में कवर होते हैं वो आप 10th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. सो चांसेस आर दैट ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉन थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स. द ओनली इशू इज कि उसको बहुत समय हो गया है तो आपका वो बेस, वो फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है. तीसरी चीज, वो क्वेश्चंस चाहे फाउंडेशन लेवल के ही हों उन्हें हमेशा ट्रिकी किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जाता है. ऐसा जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या मुझे NCERT से स्टार्ट करना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप NCERT अप्रोच करोगे वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी. लेकिन वही फाउंडेशन तो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आपकी सेल्फ प्रिपरेशन में यूज़ होने वाली बुक्स या इवन YouTube वीडियोस भी बिल्ड करती हैं. तो व्हाई वुड यू वांट टू पुट डबल द एफर्ट बाय गोइंग थ्रू NCERTs फर्स्ट. यानी कि आप सिंपली अपने मटेरियल को यूज करो एंड उसको यूज करके आप अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो ताकि आप वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ आफ्टर योर बेसिक्स आर डन. अब ये क्या टाइमलाइन होगी, कब तक बेसिक्स खत्म करने हैं, कब तक एडवांस पे मूव करना है, कैसी जर्नी रहेगी आगे की, उसको बताने से पहले लेट मी गिव अ शाउट आउट टू टुडे स्पॉन्सर व्हिच इज Unacademy. Unacademy इज ऑर्गेनाइजिंग 2023 के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 29th ऑफ जनवरी फ्रॉम 12 to 1 PM. इस एक घंटे के टेस्ट में वो आपको कैट के ही क्वेश्चंस पूछेंगे फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस, लेकिन वो क्वेश्चंस थोड़े फाउंडेशन लेवल के होंगे. इसके दो फायदे हैं. पहला फायदा ये कि आप अगर उनके टॉप 100 रैंकर्स में आते हो तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी बेसिस योर रैंक. ये स्कॉलरशिप आपको उनकी प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी. ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसको यूज करके लास्ट टाइम 75+ स्टूडेंट्स को 99% आई थी. और स्कॉलरशिप के अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक रैंकिंग भी दिखाई देती है among all the CAT 2023 aspirants, which is your live rank. यानी कि आप इतने सारे students में अभी इस समय कहां stand कर रहे हो. इस test में enroll करना बिल्कुल free है if you use my code SACAT10. तो मैं description और pinned comment में एक link जरूर add करूंगी. उस link पे जब आप click करोगे तो आपको एक portal दिखेगा जहां पर आप ये code apply कर सकते हो SACAT10 and उसके बाद आप absolutely free इस test को ले सकते हो on 29th of January from 12 to 1 PM. अब वापस आते हैं 4th पॉइंट पे विच इज योर टाइमलाइन. क्या टाइमलाइन आपको फॉलो करनी चाहिए अगर मान लो आप अभी प्रिपरेशन शुरू करते हो. एटलीस्ट 4 to 6 महीने लग जाते हैं अपनी बेसिक को, अपनी फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करने के लिए. इसका मतलब ये कि अभी आप जिस भी बुक से, जिस भी कोचिंग मटेरियल से, जिस भी वीडियो को रेफर कर रहे होगे, आप सिर्फ बेसिक्स, सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे होगे. इस समय आपका पर्पस सिर्फ ये होगा कि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए, यानी कि आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, चाहे फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि इस स्टेज पर काफी सारे स्टूडेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं या फिर इवन पास्ट ईयर पेपर्स ट्राई करते हैं एंड जब उनसे क्वेश्चंस नहीं होते तो उन्हें ये लगता है कि उनकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी फाउंडेशन और उसकी एप्लीकेशन में फर्क है. तो फाउंडेशन टेस्ट करने के लिए सिर्फ इजी क्वेश्चंस, सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, बाकी क्वेश्चंस की चिंता अभी मत करो. ये काम आपको जून या जुलाई तक करना होता है और जून जुलाई के बाद वो एप्लीकेशन की स्टेज आती है, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 की स्टेज आती है जहां आप चेक करना शुरू करते हो कि अब आपकी फाउंडेशन तो क्लियर है पर क्या उसकी एप्लीकेशन भी आपको समझ में आई है या नहीं. सो आप कभी भी शुरू कर रहे हो, अगर आप जुलाई से पहले तक शुरू कर चुके हो तो आपकी टाइमलाइन इसी तरह की दिखाई देगी कि जुलाई तक आप अपनी फाउंडेशन को क्लियर करोगे, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे एंड फाइनली जुलाई के बाद आपकी एप्लीकेशन
और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस बनेगी. पॉइंट नंबर 5 इज मेंटेनिंग योर फॉर्मूला बुक एंड रिवाइजिंग इट थरली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि मेरी क्वांट की प्रिपरेशन सिर्फ इसीलिए अच्छी हो पाई थी डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा मैथ बहुत ही बुरा था. आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज मैंने अपने आप को ये समझाया कि फाउंडेशन भूल जाएगी मुझे जुलाई के बाद अगर मैंने उसे रिवाइज नहीं किया. अब आप खुद सोचो कि अगर आप 10 चैप्टर 20 चैप्टर करोगे जुलाई तक तो वो सारे चैप्टर के आपको ए टू जेड याद रह पाएंगे? नहीं. इसीलिए आपको एक ऐसी नोटबुक की जरूरत है जिसे मैं कहती थी फॉर्मूला बुक. ये एक ऐसी नोटबुक होती है जिसमें आप वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, वो सारी चीजें नोट करते हो जिससे आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे फाउंडेशन को याद कर पाओ. इस फॉर्मूला बुक को बनाते समय याद रखना कि आपको हर सिंगल क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा उसे नोट करने की जरूरत नहीं है. काफी बार हम बहुत ही सिली एरर्स कर देते हैं, काफी बार हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आती है, उन चीजों को नोट करके कोई पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि क्या वो क्वेश्चन आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई बेस लेवल चीज, कोई ऐसा फॉर्मूला बता के गया जो आपको पहले से नहीं पता था. अगर आपको ऐसी कोई चीज पता लगती है तो इन दैट केस आप उस फॉर्मूला को या उस कॉन्सेप्ट को नोट करोगे इन दैट फॉर्मूला बुक. इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको अपनी फॉर्मूला बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दूंगी. आपको उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उसको एज इट इज रट्टा नहीं मारना है, आपको उसे एज अ रेफरेंस यूज करना है कि फॉर्मूला बुक बनाई कैसे जाती है. एंड देन खुद जैसे जैसे आप अपनी फाउंडेशन को कवर कर रहे होगे आपको अपनी फॉर्मूला बुक खुद बनानी है. अब क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्मूला बुक को आपको कितनी बार रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है. अब ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है. मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैंने अपने कॉलेज डेज में हर वीकेंड को एक टाइम बांधा था कि मुझे अपनी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना है. सो मेरे लिए वीकेंड यानी कि सैटरडे या संडे में से एक दिन मैं उठाती थी और उस दिन जितनी भी फॉर्मूला बुक मेरी भर चुकी है मैं उस पूरी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करती थी. इसका मतलब ये कि हो सकता है मैंने पहले हफ्ते में इतनी पढ़ाई की हो, फिर मैंने दूसरे हफ्ते में थोड़ी और पढ़ाई की हो, फिर मैंने तीसरे हफ्ते में और ज़्यादा पढ़ाई की हो, लेकिन मुझे पहले हफ्ते के एंड में सैटरडे संडे को जितना मैंने किया उतना करना है. सेकेंड हफ्ते के एंड में मैंने जितना दोनों वीक्स में मिला के किया था मुझे उसे रिवाइज करना है एंड नॉट ओनली जो मैंने सेकेंड वीक में किया. तो इससे ये होता है कि जो आपने फर्स्ट वीक में किया होगा वो आपको भूलेगा नहीं क्योंकि हर वीकेंड को आप उसे रिवाइज कर रहे होगे. इतनी बार इस फॉर्मूला बुक की रिविजन करने के बाद आप ये सोचो कि जब मैंने फाइनली पेपर लिखा होगा तब मुझे इवन ये तक याद था कि मेरे कौन से पेज के ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट गिवन है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप उस स्टेज में किसी भी क्वेश्चन को देखो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये ट्रिक लगनी है या ये फॉर्मूला लगना है या ये शॉर्टकट लगना है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपनी फॉर्मूला बुक आज से ही बनानी शुरू करो. अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, आपने फॉर्मूला बुक नहीं बनाई है तो जो चैप्टर्स रह गए हैं उन्हें छोड़ दो, एक फ्रेश फॉर्मूला बुक बनाओ, पेजेस छोड़ते रहो हर चैप्टर के बाद और हर चैप्टर से पहले ताकि जब भी आप नए कॉन्सेप्ट्स देखो, नए टॉपिक्स देखो, नए क्वेश्चंस देखो तो उनसे कुछ ना कुछ सीख के वहां ऐड जरूर करते रहो. द फाइनल पॉइंट एंड आई थिंक ये हर उस स्टूडेंट की जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जिसकी मैथ अच्छी नहीं थी, इज टू अप्रोच द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटेंट ऑफ लर्निंग देन सॉल्विंग. इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, एंड वो तो होगा क्योंकि आप अभी अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो या इवन अगर आप एप्लीकेशन स्टेज पे भी हो तब भी आप नए क्वेश्चंस के सामने आओगे तो वो क्वेश्चंस आपसे कैसे होंगे. दैट इज वाई जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो डोंट अप्रोच देम विद द इंटेंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. अगर आप इस इंटेंट से जाओगे कि मुझे 20 क्वेश्चन में से चेक करना है कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाई या कितने क्वेश्चन सही कर पाई, तो आप ऑब्वियसली डीमोरलाइज होगे, डीमोटिवेट होगे. इंस्टेड अगर आप सोचो आप इस अप्रोच के साथ जाते हो कि मुझे ये देखना है कि उन 20 क्वेश्चंस ने मुझे आज कितनी चीजें सिखाई विद द इंटेंट ऑफ लर्निंग, उन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद चाहे मुझसे 0 out of 20 क्यों ना हुए हों, क्या मुझे ऐसे 20 कॉन्सेप्ट सीखने को मिले या 20 वजहें मिली कि मैं वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाई जिन्हें शायद मैं अपनी फॉर्मूला बुक में ऐड कर पाऊं. जब आप लर्निंग अप्रोच के साथ किसी भी क्वेश्चन को टेकअप करोगे तब दो चीजें होंगी. पहली चीज, आप डीमोटिवेट नहीं होगे अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि आपका इंटेंट
सीखने का है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करोगे। ये अप्रोच समझाने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं कितने घंटे देती थी एक दिन में और किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करती थी। मेरी अप्रोच इस तरह की रहती थी कि मुझे एक घंटे या दो घंटे अगर मैथ्स पढ़नी है तो मुझे उस केस में अपने टाइम को सिटिंग्स में डिवाइड करना है। सिटिंग्स का मतलब कि मैं दो घंटे लगातार नहीं बैठूंगी, मैंने मान लो उसको 30 मिनट्स के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 30 मिनट्स के 4 पोर्शंस, 4 सिटिंग्स हैं जिनमें मैं क्वेश्चंस को टेकअप करूंगी। उन 4 सिटिंग्स में भी हर सिटिंग में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से डिफाइन करूंगी। जैसे मान लो कि मैंने टाइम दे दिया कि मुझे 30 मिनट्स की एक सिटिंग में 10 क्वेश्चन करने हैं। उन 30 मिनट्स के अंदर उन 10 क्वेश्चंस को अप्रोच करते समय मैं 3 स्टेप्स फॉलो करूंगी, ट्राई, चेक एंड लर्न। यानी कि सबसे पहले मैं वो 10 के 10 क्वेश्चंस ट्राई करूंगी, फिर उसके बाद मैं उस 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करूंगी एक साथ, एंड उसके बाद मैं उन 10 के 10 क्वेश्चन से लर्न करूंगी और जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नया होगा उसे अपनी फॉर्मूला बुक में नोट करूंगी। इस तरह से मैं 30-30 मिनट्स के 4 सेट्स बना के या 4 सिटिंग्स बना के अपने क्वांट के सेक्शन को अप्रोच करती थी। ऐसा करने से वो सेकंड पॉइंट का ध्यान रहता है, विच इज आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। वरना क्या होता है, हम कई बार एक क्वेश्चन को लेके बैठते हैं, आधा घंटा हम उस क्वेश्चन पे सोचते रहते हैं, ना वो क्वेश्चन सॉल्व होता है ना हम उससे कुछ सीखते हैं, और उल्टा फ्रस्ट्रेट हम और हो जाते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चंस को विद द लर्निंग इंटेंट अप्रोच करो। इट इज ओके अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, एज लॉन्ग एज आपकी फाउंडेशन क्लियर है, इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम दैट क्वेश्चन। उसे अपनी फॉर्मूला बुक में नोट करो एंड उसे रिवाइज करो टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे सॉल्व होना था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करके जाए। अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट्स में डाल दो एंड वी विल श्योरली टेक इट अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस।